Let's continue the concept of circular motion. मैंने मेरे पिछले लेक्चर में सर्कुलर मोशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और मैं सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स समझा रहा था. सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में अभी तक जो मैंने समझा दिया था, एक बार छोटे से मैं रिकॉल करा देता हूं. जो मेरा लास्ट आर्टिकल था, दैट इज कोई सा भी पार्टिकल यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, देन दैट पार्टिकल इज कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेटेड इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन. इफ वी हैव गॉट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और सर्कुलर पाथ में घूमते हुए इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और पार्टिकल का रेडियस आर है. किसी भी समय पर पार्टिकल की लीनियर स्पीड वी है. लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम इज वी एंड इट्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ रेडियस आर एंड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. वी यूज्ड टू से दैट दिस पार्टिकल इज constantly accelerated in radially inward direction. इसकी velocity constantly radially inward direction में change होती रहती है. And that radial inward acceleration, its value is given by v square by r, or it's given by omega square r, or it's given by v omega. This is radial inward acceleration of any particle in uniform circular motion, and this radial inward acceleration is also termed as centripetal acceleration. इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं. यह मेरा लास्ट आर्टिकल था. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट लीनियर स्पीड v. वह सर्कुलर पाथ में कॉन्स्टेंट लीनियर स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है. और ऐसी मैंने सिचुएशन बताई थी कि एक लंबे समय से घूमता हुआ पंखा, उसमें किसी भी पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होता है और उस किसी भी पार्टिकल का रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा होता है और उसकी यह मैग्नीट्यूड है. अब माय नेक्स्ट आर्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है और सर्कुलर पाथ में उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है. उसकी सर्कुलर पाथ में लीनियर स्पीड चेंज हो रही है, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है. अब हम कहते हैं एट एनी इंस्टेंट इफ एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, एट एनी इंस्टेंट इफ एंगुलर वेलोसिटी is omega and
टेंजेंशियल वेलोसिटी इज वी, टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम लीनियर स्पीड भी कह सकते हैं। लीनियर स्पीड मतलब इस सर्कुलर पाथ के लॉन्ग स्पीड, और ये किसी भी इंस्टेंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, दैट्स व्हाई वी टर्म इट टेंजेंशियल वेलोसिटी। नाउ दिस एंगुलर वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, डी ओमेगा बाय डी टी इज अल्फा एंड दिस इज एंगुलर एक्सीलरेशन। दो कंडीशन मैंने बताई थी, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, वेरिएबल एंगुलर एक्सीलरेशन। अब हम कहते हैं वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, आई डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डी वी बाय डी टी इज डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा आर, आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट्स आर इंटू डी ओमेगा बाय डी टी और आर इंटू अल्फा। डी वी बाय डी टी की जगह पर हम लिख सकते हैं दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, डी वी बाय डी टी वी डिनोटेड बाय ए टी, दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, डीवी बाय डी टी की जगह मैं ए टी लिख देता हूं, डीवी बाय डी टी की जगह ए टी लिख देता हूं, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। हम कहते हैं अब दो एस्पेक्ट को देखो, बोर्ड पर इस समय लिखे हुए हैं, यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी समय पर पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और उसकी लीनियर स्पीड वी है, रेडियस आर है, तो उस पार्टिकल का कॉन्स्टेंटली रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता रहता है। दिस रेडियल इनवर्ड एक्सीलरेशन, इट्स मैग्नीट्यूड इज दिस वी स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर आर और वी ओमेगा, वी कॉल इट सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और रेडियल इनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ रेडियल इनवर्ड एक्सीलरेशन। अब मैं कहता हूं कि यह जो रेडियल इनवर्ड एक्सीलरेशन है सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही नहीं, यह तो किसी भी तरह के सर्कुलर मोशन में होगा, द सर्कुलर मोशन में भी यूनिफॉर्म, इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म, किसी भी इंस्टेंट पर सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी यदि वी है और रेडियस आर है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो उस पार्टिकल का रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होएगा और वो यह होगा। यह जो कंसेप्ट है यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी लगेगा, मगर यह जो कंसेप्ट मैंने बताया है दिस कंसेप्ट होल्ड ओनली फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स जब आपने फैन को स्विच ऑन करा या फैन को स्विच ऑफ करा, तो स्विच ऑन करने पर उस फैन के किसी भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है सर्कुलर पाथ में, स्विच ऑफ करने पर उस फैन की एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, किसी भी इंस्टेंट पर यदि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ,
The rate of change of angular velocity is angular acceleration, we denote it by alpha. And the rate of change of tangential velocity is tangential acceleration. dv by dt is this tangential acceleration. This is the rate of change of tangential velocity, the magnitude of tangential velocity. Ab hum kehte hain v equal to omega r. Tangential velocity equal to omega r. I differentiated it with respect to time. dv by dt equal to d by dt of omega r. R bahar aa gaya. R into d omega by dt. d omega by dt ki jagah alpha rakh diya. dv by dt is equal to r alpha. Or tangential velocity, tangential acceleration is equal to alpha into r. Ab, kehne ka matlab, yadi koi particle non-uniform circular motion mein hai, to uska ek tangential acceleration component bhi hota hai. Particle is jagah par hai, iska radially inward direction mein bhi ek acceleration hai, aur टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक एक्सीलरेशन है. इस पार्टिकल के एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं. मैं इधर ड्रॉ करता हूं. दिस इज सर्कुलर पाथ ऑफ अ पार्टिकल. पार्टिकल भी इस जगह पर है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है अबाउट दिस सेंटर ओ. इस पार्टिकल की यदि वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अल्फा. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अल्फा, इज एंगुलर एक्सीलरेशन. अब इस केस में हम कहते हैं कि यह जो पार्टिकल है इसके दो एक्सीलरेशन होंगे. एक इसका एक्सीलरेशन होगा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में. यह रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है या इट्स वैल्यू, इट्स मैग्नीट्यूड इज एस रिटन बिलो. इसका वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड नीचे दिया हुआ है और एक इसका एक्सीलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में. और इसका मैग्नीट्यूड इस जगह पर दिया हुआ है. द नेट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ द टू. इन दोनों का वेक्टर सम इस पार्टिकल का नेट एक्सीलरेशन होता है. यह पार्टिकल ओवरऑल इस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड है. This is the situation of non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion, I simply mean to say, there are two components of acceleration. One component is along the radially inward direction and another component is tangential direction. Dono ki magnitude maine is jagah par likha hai aur net acceleration is direction mein hoga. Ab, ये सारी बातें जो सर्कुलर मोशन के लिए मैंने अभी समझाई है, इन्हीं को मैं एक दूसरे तरीके से भी ऑब्टेन करता हूं. यूनिट वेक्टर के अप्रोच से भी मैं इन्हीं कंसेप्ट को कंक्लूड दोबारा करता हूं. देखिए, और it would be really very interesting to learn this method as well.
देखिए, बड़े ध्यान से देखना आप इस मेथड को। दिस इज सर्कुलर पाथ ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। मैं इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर देता हूं। दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूं। इसे मैं एक्स एक्सिस कह देता हूं और इसे मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं। लेट अस से इनिशियली पार्टिकल इस पॉइंट पर था, यह रेडियस आ है, रेडियस इज आर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इनिशियल पार्टिकल इस पॉइंट पर था और यह पार्टिकल आफ्टर सम टाइम टी थीटा एंगल कवर कर लेता है और थीटा एंगल कवर करके वह इस पॉइंट पी पर आ जाता है। Now this becomes the position vector. This is the new position vector of the particle. Up. देखिए, मैं अब यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। मैं एक रेडियस के अलोंग यूनिट वेक्टर ड्रॉ करता हूं और एक टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर ड्रॉ करता हूं। यूनिट वेक्टर मींस एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड होएगा, जिसकी जो लेंथ होगी वह यूनिटी होगी और along the radius this is that vector। मैं कहता हूं this is E R and along the tangent this is the vector, I call it E T। इधर मैं लिख देता हूं E R is यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, मतलब इसकी डायरेक्शन तो टेंजेंट के अलोंग है और इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ वन यूनिट है। रेडियल वेक्टर, इसका डायरेक्शन रेडियस के अलोंग है और इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ, दिस इज वन यूनिट। नाउ अब मैं इसके बाद देखता हूं आई कैप एंड जे कैप। I cap and J cap. I cap is unit vector along x axis. This is unit vector along x axis and J cap is unit vector along y axis. अब मैं क्या करता हूं,
मैं रेडियल वेक्टर को ई आर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखूंगा। मैं इस यूनिट रेडियस वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखूंगा। इसी तरह से फिर टेंजेंशियल वेक्टर को भी मैं आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखूंगा। देखिए जरा कैसे लिखूंगा, बड़े ध्यान से समझना। मैं इधर और इधर एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल एक एक्सिस ले रहा हूं। ई आर इस, ये जो वेक्टर है इसका इसके साथ में एंगल थीटा, तो ई आर कॉस थीटा इंटू आई कैप। ई आर इस मॉड ऑफ ई आर कॉस थीटा। इस ई आर का, ये जो ई आर वेक्टर है इसका यह जो कंपोनेंट होगा कॉस कंपोनेंट होगा, और यह कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए यह हो गया आई कैप। और यह कंपोनेंट कितना होगा जरा देखिए, ई आर का यह कंपोनेंट होगा साइन कंपोनेंट, और यहां वाई एक्सिस के होंगे तो जे कैप। तो इसे मैं लिखूंगा मॉड ऑफ ई आर साइन थीटा इंटू जे कैप। इस तरह से ई आर वेक्टर जो हुआ यूनिट वेक्टर या मॉड ऑफ ई आर इज वन कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस साइन थीटा इंटू जे कैप। मैंने इस तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस ई आर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिख दिया है। ई आर इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब इसी तरह से यह जो टेंजेंशियल वेक्टर है, इस टेंजेंशियल वेक्टर को भी मैं आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिख देता हूं। इस टेंजेंशियल वेक्टर को भी मैं आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखा हूं। जरा देखिएगा बड़े ध्यान से कैसे इस टेंजेंशियल वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे। यह वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलावा तो कंपोनेंट जो बनेगा इसका वह नेगेटिव कंपोनेंट बनेगा। यह एंगल थीटा है तो यह 90 माइनस थीटा, तो यह एंगल थीटा होगा, इसका वाई एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनेगा। और यह कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा और यह कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। मैं ईटी लिख रहा हूं, ईटी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग टेंजेंट। पहले एक्स कंपोनेंट देखता हूं, इस वेक्टर का यह जो कंपोनेंट होगा साइन थीटा कंपोनेंट होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ में थीटा एंगल है, तो एक्स कंपोनेंट जो होगा वह साइन कंपोनेंट होगा और वह नेगेटिव कंपोनेंट होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में और यह नेगेटिव कंपोनेंट। तो मैं कहता हूं मॉड ऑफ ई टी माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस। अब वाई एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट बना इसे देखिए, मॉड ऑफ ई टी कॉस थीटा इंटू जे कैप। इन दिस मैनर मैंने टेंजेंशियल कंपोनेंट
यूनिट वेक्टर अराउंड टेंजेंट वह लिखा है. दिस इज माइनस साइन थीटा इनटू आई कैप प्लस कॉस थीटा इनटू जे कैप, क्योंकि मॉड ऑफ ईटी और मॉड ऑफ ईआर तो वन है. ई टी इज माइनस साइन थीटा इनटू आई कैप प्लस कॉस थीटा इनटू जे कैप. मैं दोबारा समझाता हूं, अभी तक मैंने करा क्या है. मेरा जो उद्देश्य है वह तो जब मैं आर्टिकल को पूरा करूंगा तब समझ में आएगा, पर अभी तक मैंने क्या करा है वो एक और बार मैं समझा देता हूं. अभी तक मैंने एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में लिया, किसी भी तरह से उसकी मोशन हो सकती. इट मे बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कॉन्स्टेंट अल्फा भी हो सकता है, वेरिएबल अल्फा भी हो सकता है, कैसा भी मोशन हो रहा हो, बस हम यह जानते हैं कि यह पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है. अब यदि यह पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो पार्टिकल के सेंटर को हमने ओरिजिन ले लिया. इस ओरिजिन से हमने इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस जो कि फिक्स है उसे डिफाइन कर दिया, और इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस जो कि फिक्स एक्सिस है हमने डिफाइन कर दिया. इन दिस मैनर वी हैड डिफाइंड अ कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन अ प्लेन. कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन अ प्लेन. हमने x एक्सिस y एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर इस प्लेन पर है, द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, और ये फिक्स है. अब इधर हम अच्छी तरह से जानते हैं x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम i कैप कहते हैं. x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को i कैप, और y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम जे कैप कहते हैं. आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस. ये फिक्स होता है. अब हमने दो और परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करे. एक यूनिट वेक्टर रेडियस के अलॉन्ग इंट्रोड्यूस करा, दिस इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द रेडियस. ई आर इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द रेडियस. और एक वेक्टर इंट्रोड्यूस करा यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा मोशन के अलोंग, और उस डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ का वेक्टर ड्रॉ करा जिसको हमने कहा ईटी, दिस यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट. अब फिर हमने कहा कि ई आर और ईटी को, ई आर इज यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, ईटी इज यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, they may be written in terms of i cap and j cap. er और et को i cap और j cap के terms में लिख सकते हैं. कैसे भाई? er का x axis के along जो component होएगा वह i component होएगा, और er का y axis के along जो component होएगा वह j component होएगा. हमने इस angle को theta समझ लिया, और ई आर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट मॉड ई आर कॉस थीटा. ई आर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट मॉड ई आर कॉस थीटा इनटू आई कैप, और इसी ई आर का वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है ई आर साइन थीटा इनटू जे कैप. अब मॉड ई आर होता है वन, तो इसकी जगह वन कर दिया. कॉस थीटा ऐसा कैसे, आई कैप ऐसा कैसे, प्लस mod er once again one sin theta is a j cap. So er comes out to be cos theta i cap plus sin theta j cap. Ab isi tarah se et. Et is this. Ab sabse pehle angle samajhna hai trigonometry se. Yadi yah angle theta hai to yah angle 90 minus theta hoga aur yah angle theta hoga.
मतलब टेंजेंशियल वेक्टर का y एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनेगा, तो y कंपोनेंट जो होगा वह cos कंपोनेंट होगा और जो x कंपोनेंट बनेगा वो sin कंपोनेंट बनेगा, और x एक्सिस के अलावा भी जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। अब et को कैसे रिजॉल्व करें, देखिए et इसका x एक्सिस के अलावा यह कंपोनेंट, x एक्सिस के अलावा mod et sin थीटा, माइनस साइन इसलिए लिखा क्योंकि एक्स एक्सिस के अलावा नेगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है मुझे, मॉड ईटी कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलावा पॉजिटिव डायरेक्शन में मॉड ईटी कॉस, मॉड ईटी इस मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है इसका, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड वन हुआ, और माइनस साइन थीटा ऐसा कैसे आई क्या, मॉड ईटी की जगह वन सेकेंड वन cos थीटा ऐसा कैसे जी क्या, इस तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, यह यूनिट वेक्टर लिखना सबसे पहले सीख लीजिए।